नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशलि मोइत्रा। बिग बॉस 13 के विनर और टीवी के जाने माने एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला अब हमारे बीच नहीं, लेकिन उनके जाने का गम फैंस और एक्टर के चाहने वाले भूल नहीं पा रहे। शायद ही कोई ऐसा दिन जाता होगा जिस दिन कोई सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में बात नहीं करता। इसी बीच बिग बॉस 13 का हिस्सा रही और सिद्धार्थ की दोस्त आरती सिंह ने भी एक्टर को याद किया, लेकिन आरती को अब एक बात का पछतावा हो रहा जिसका खुलासा उन्होंने एक लीडिंग वेबसाइट से बातचीत में किया। आरती सिंह ने खुलासा किया है कि तब से सिद्धार्थ शुक्ला के टच में वो नहीं थी जब उन पर आरोप लगा कि वो सिद्धार्थ और उनकी कथित गर्लफ्रेंड शहनाज गिल के बीच आ रही। आरती, सिद्धार्थ और शहनाज बिग बॉस 13 का हिस्सा थे और सिद्धार्थ ने शो जीता था। आरती ने कहा, आखिरी बार हमने 15 फरवरी 2019 को बात की थी, हमारी बात ही नहीं हुई। मैं उस चीज से काफी प्रभावित हुई जो मेरी और सिद्धार्थ की दोस्ती को लेकर कहा गया। मुझ पर आरोप लगा कि मैं सिद्धार्थ और शहनाज के बीच आ रही। इसके बाद मैंने तय किया कि मैं उनकी दोस्ती के बीच नहीं आऊंगी। मैं उनमें से नहीं हूँ जो किसी की जिंदगी में तनाव की वजह बने। आरती ने आगे कहा, मुझे इस बात का पछतावा है कि मैं उनके साथ टच में नहीं थी। मैंने कुछ मौकों पर उन्हें कॉल करने के बारे में सोचा, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि वो खुश थे और मैंने सोचा कि उसे अपनी जिंदगी जीने दो। मैं उन्हें खुश देखकर खुश थी और चाहती थी कि वो खुश रहें, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण और तोड़ देने वाला है। मेरा दिल शहनाज के साथ है। इस घटना ने मुझे सिखाया है कि दिल की सुननी चाहिए। बता दें कि 2 सितंबर को सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया था। इस खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया क्योंकि वो सिर्फ 40 साल के थे। एक्टर के जाने से उनकी माँ और शहनाज गिल को गहरा सदमा लगा जिससे अब तक वो दोनों उभर नहीं पाए। टीवी समेत बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई सेलिब्रिटीज एक्टर के अंतिम दर्शन करने पहुंचे थे और एक्टर के परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में साथ रहे। वैसे आरती के इस बयान पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।